हाय फ्रेंड, आई एम सुरक्षा जेबर। आप देख रहे हैं सुरक्षा जेबर टेक्स। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि पीएनजी टेक्स्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो कोई फ्रेंड की डिमांड आई है कि मैं भाई पीएनजी टेक्स्ट बनाने का तरीका समझाओ या मैं मेथड समझाओ। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सलैब में जाना है और जहाँ पर आपने मतलब है ना कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। हैंडसम हंक लिख लो, ब्यूटी क्वीन लिख लो, लेकिन मैं लिखूँगा हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस मैंने लिख लिया। अब इस पर आप फंट लगाएंगे। फंट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। मैंने डेज वाला फंट लगा लिया इस पर। अब इस पर थोड़ी सी पैडिंग करेंगे। ये एस ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, पैडिंग करने के बाद आपने फ्रेंड आपने इसे कुछ इस तरह से सेट कर देना है। अब फ्रेंड आपने इस वाले ऑप्शन में आ जाना। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में आपने आने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन में आ जाना। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ से हैप्पीनेस जो है ना ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब फ्रेंड आपने ना इस पे भी लगाना है फंट। ठीक है, फंट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये फंट लगा लिए। अब फ्रेंड आपने ना इसे कुछ सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद आपने कुछ इसे इस तरह से सेट करना है। साइज़ आपने कुछ पॉइंट कम कर देना है। ठीक है, अभी ये ठीक नहीं आ रहा तो मैं 35 पर रखूँगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी पैडिंग करेंगे। पैडिंग करने के बाद आपने ना फ्रेंड इसे कुछ इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसके साथ बिल्कुल आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो हैप्पीनेस की जो है ना पहले स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे। स्ट्रोक ऑन करने के बाद वन पे स्ट्रोक रखेंगे, शेडो को ऑन कर देंगे। शेडो तकरीबन आपने 70 तक रखनी है और जो ब्लर है ना ये 4 तक रखना है, इसको ऑन कर देना है। 2 पे रखना है ऑफसेट X2 ऑफसेट Y2। इनर शेडो को ऑन कर देना है। इनर शेडो याद रखेगा वाइट कलर में लगानी है और ब्लर 1 ऑफसेट X1 ऑफसेट Y1। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। अपने वाइट रखनी है, ब्लर 1, ये भी 1 और शेडो को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने ये भी 70 पे ही रखनी है। ठीक है, 70 पे रखने के बाद 5 इसको ऑन, 2 पे रखना है ऑफसेट X2 ऑफसेट Y2 और स्ट्रोक को तो ऑन करना ही करना है और 1 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फ्रेंड आपने इसके साथ में ला देना है। अब फ्रेंड आपने जो है इधर एक ऑप्शन होगा बैकग्राउंड वाला। ठीक है, बैकग्राउंड वाला ऑप्शन होगा, इसको ऑन कर देना है। अब इसका जो कलर है ना ये आपने रेड कर देना है। ठीक है, रेड कर दिया कलर। आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रेड ही रखूँगा। लेकिन अब फ्रेंड आपने ना यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब दोबारा इस वाले ऑप्शन में आना है। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने फ्रेंड दोबारा इस वाले ऑप्शन में आना है। इस वाले ऑप्शन में आने के बाद दोबारा इस हैप्पीनेस वाले ऑप्शन में आना है आपने। आप इस दफ़ा आप कोई और पीएनजी यहाँ से उठा कर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको, लेकिन मैंने ये उठा लिया जस्ट मैं आपको मेथड समझाने के लिए। आप इस पे आप कोई भी फंड लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे जो मैं लगा रहा हूँ आप वो ही लगाएं। ठीक है, अब फ्रेंड आपने ना कुछ इस तरह से इसे सेट कर देना है, तकरीबन आपको जहाँ ठीक लगे। ठीक है, अब फ्रेंड आपने इसकी भी स्ट्रोक को ऑन कर देना है। स्ट्रोक वही आपने 1 पे रखनी है और इनर शेडो जो है ना इसको भी आपने तकरीबन 1 ब्लर 1 ऑफसेट X1 ऑफसेट Y1, लेकिन इनर शेडो याद रखिए ये वाइट कलर में रखनी है। शेडो का कलर आपने चेंज नहीं करना, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है ये आपने 70 तक रखनी है और ब्लर 5 इसको इनेबलड कर देना है, ऑन कर देना है ऑफसेट X2 ऑफसेट Y2। ठीक है, ये करने के बाद कुछ इस तरह से ना करने के बाद इसका साइज़ आपने थोड़ा सा आपने कम करना है। आपने साइज़ जो है ना थोड़ा सा फ्रेंड कम करना है आपने कुछ इस तरह से। ये हमारा पीएनजी टेक्स्ट तैयार हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। आप इसे सेव भी कर सकते हैं। तो ये पीएनजी आपका बन गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड